नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। श्री सांदीपनी अकॅडमी तर्फे आयोजित पालक शिक्षक मेळाव्यात गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार। रविवार दिनांक 8 ऑक्टोबर 2023 रोजी श्री सांदीपनी अकॅडमीच्या वतीने हॉटेल वृंदावन लॉन्स येथे विद्यार्थी पालक शिक्षक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाची सुरुवात गणेश वंदनेने करण्यात आली। त्यानंतर संस्थेचे संचालक नानासाहेब बारहाते यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष बालराजू सर यांनी विद्यार्थ्यांना अभ्यास कसा करावा आणि पालकांनी आपल्या मुलांची काळजी कशी घ्यावी याबद्दल मोलाचे मार्गदर्शन केले। यानंतर IIT मद्रास येथे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। तसेच NDA साठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा आणि फाउंडेशनमध्ये शिकत असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा रोख रक्कम पारितोषिक देऊन सत्कार करण्यात आला। याप्रसंगी काही माजी विद्यार्थ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। शेवटी संस्थेचे संचालक राहुल गुजराल सर यांनी आभार प्रदर्शन केले। यावेळी अनेक विद्यार्थी आणि पालक शिक्षक उपस्थित होते। प्रतिनिधी अजहर सय्यद, नगर न्यूज 24, अहमदनगर। So hello everyone, I am Shreya from Sandipani Academy. So I am currently studying in class 12. Sandipani Academy JEE NEET वगैरह की प्रिपरेशन करवाती है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से पढ़ रही हूँ। टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। आई जस्ट लव देयर टीचिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग। और मेरा रिसेंटली IIT मद्रास में डेटा साइंस में सिलेक्शन हुआ है। सो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिखाया इस चीज़ में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम। और अगर कोई भी यहाँ पे JEE NEET की प्रिपरेशन करना चाहता है तो प्लीज सांदीपानी एकेडमी को जरूर ट्राई करना। इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन अहमदनगर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम मधुरा खिले। मैंने यहाँ पे श्री सांदीपानी एकेडमी ज्वाइन किया है IIT JEE के लिए। और रिसेंटली मेरा IIT मद्रास में सिलेक्शन हुआ है डेटा साइंस के लिए। इफ यू आर सर्चिंग फॉर कोचिंग इधर फॉर IIT JEE और NEET फॉर योर चाइल्ड, यू कैन ट्राई हियर। थैंक यू। श्री सांदीपानी एकेडमी अहमदनगर का टॉप इंस्टीट्यूट है JEE और NEET के लिए, जिसमें कि हज़ारों बच्चों प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, बहुत सारे गांव से, डिफरेंट विलेजेस से, जिसमें हमें केवल जो भौतिक एजुकेशन होता है, मेटेरियल एजुकेशन होता है, केवल वही नहीं, उसके साथ साथ हम वैल्यू एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। आज का जो इवेंट आप देख रहे थे यहाँ पे, तो इसमें हम बच्चों को मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप और पढ़ाई करो, क्योंकि जब आप एक एक छोटी छोटी बच्चों के सक्सेस को जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चा और खुशी होकर आगे और पढ़ता है और हार्डवर्क करता है, और उसको देख के बाकी जो बच्चे हैं, जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कुछ रीजन के कारण, क्योंकि मोटिवेशन की कमी होती है कुछ स्टूडेंट्स में, तो उनको देख के बच्चों का उत्साह जो और पढ़ाई में बढ़ता है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए उत्साह बहुत आवश्यकता है, मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये इवेंट हमारा करने का रीज़न यही था कि हम एक एक छोटा छोटा जो टेस्ट होता है हमारे क्लास में, चाहे वो फाउंडेशन का हो, चाहे वो JEE के स्टूडेंट का हो, चाहे वो NEET के स्टूडेंट्स का हो, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 6th से लेके लगभग 12th क्लास के स्टूडेंट तक, जो भी क्लास का जो टॉप परफॉर्मर्स है, उनको हमने आज कुछ गिफ्ट से उनको प्राइजेस दिया हमने और उनका सेलिब्रेट किया। तो ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे स्टूडेंट्स का एक छोटा छोटा जो सक्सेस है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। IIT मद्रास के तरफ से एक एग्ज़ाम है डेटा साइंस, जो कि एक ऐसा एग्ज़ाम है कि बिना आप JEE एडवांस के क्लियर करे भी आप IIT मद्रास का जो एजुकेशन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे जो इस बार का जो परफॉर्मेंस था वो बेसिकली लगभग 14-15 स्टूडेंट्स वेर देयर, दोज़ हू हैव क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम। ठीक है, 2-3 महीना पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और एवरी ईयर ये एग्ज़ाम होता है। तो लगभग 14-15 स्टूडेंट्स हमारे जो है IIT मद्रास के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जो कि अगले साल उनका एडमिशन जो है साथ डिग्री के साथ साथ, जो डिग्री होता है बेसिकली आपका बीटेक डिग्री, उसके साथ साथ ये कोर्स कर सकते हैं वो। तो एक बेसिकली एक क्रेडिट उनको मिलता है बच्चों को जो आगे काम आएगा। और साथों साथ हमने आज NDA के बच्चों को भी सत्कार किया, जो एक टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है UPSC का। तो उसमें लगभग 3 बच्चे हमारे जो है वो NDA का प्रिपरेशन कर रहे थे हमारे यहाँ, और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। NDA का रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किए हैं, इसके बाद वो SSB का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं आगे, और आई एम श्योर दैट वो भी SSB में भी वो सक्सेस करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। नवीन बातम्या आणि ताजा घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा।